बोलो श्री राम जय राम जय जय वाहन में चले आवे Thank you.
चरण में हमारे पिता के नाने नाने लेकर सादर प्रणाम है, सादर नमन है। कुंती के बेटिया कर्ण कहे सियाराम। आज पांडव सब
पांडव कौन थे कोई नहीं जान पाए कहे शरम। बोला पांडव काबर नहीं कहे दर्शन दहु काक सती होकर नाम पांडव में नहीं जुड़े है। आप बात लब मैं बाला बताऊं कहे शरम। राम सीताराम राम सीताराम तुम चनन लघुगरो तुम चनन बचपन में एक ऋषि के बेटी रहते थे। सब ऋषि मुनि के सेवा सत्कार करे गए श्याराम। आश्रम में रहते हुए माता कुंती रहते थे। जब का ऋषि मुनि आते या कोई आते थे कर मन के सेवा सत्कार करे गए श्याराम। सेवा सत्कार करत करत एक दुर्वासा ऋषि कहे जो भारतवर्ष के महत्वपूर्ण ऋषि कहे श्याराम। जाने माने ऋषि महंत दुर्वासा कहे श्याराम। एक बार माता कुंती के संतनु के कुटिया में आके हुए विराजमान रहते कहे श्याराम। और दुर्वासा ऋषि के सेवा सत्कार में माता कुंती करते देखकर से भगवान दुर्वासा जो है बहुत प्रसन्न हो जाते कहे श्याराम। वो अति कुंती से प्रसन्न हो जाते। कुंती लेके इसे मंत्र एक वरदान देते कहे श्याराम।
बेटे कुंती जब भी तुला कोई चीज की जरूरत रही है मंत्र में बता दो, जय भगवान के नाम लेवे वो भगवान लाज तो सामने में प्रकट होना पड़ी कहे सियाराम। वो भगवान प्रकट हुई और जे वरदान ते मांगे वो वरदान वो देना पड़ी कहे सियाराम। 33 कोटी देवी देवता मने 33 प्रकार के जितना भी देवी देवता है पाकरो नाम के ले ले कहे सियाराम। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर किन्नर नाग इत्यादि जिसका नाम लेवे सब प्रकट हुई कहे सियाराम। ऐसे मंत्र माधारित कुंतीलार कौन दुर्वासा ऋषि रसिक दे देते कहे सियाराम। वो वरदान ला पाके माता कुंती रसे दुर्वासा के सत्कर्मान करके एकदम स्वीकार कर देते कहे सियाराम। राम राम सीताराम राम सीताराम चरण में का जादू है राम पत्थर लाला रे बना डारे राम। लेकिन हसीना पूर्व भारत वर्ष के नाम से जाने जाए कहे सियाराम। वहाँ के राजा पांडु के साथ में माता कुंती के विवाह हो जाते कहे सियाराम। अब माता कुंती जो रहते वो वरदान लग पा के रहते लेकिन कभी मन में सोचत रहते कहे सियाराम। भगवान दुर्वासा जो वरदान दे वरदान फलित है कि नहीं है कहे सियाराम। सोचत विचारत अपन मन में बगिया में कुटिया में बैठे रहते कहे सियाराम। के जो कुटिया रहते बगीचा रहते गार्डन कथन हम आजकल गार्डन कहते थे कहे सियाराम। गार्डन में बैठ के ना मातारी कुंती रहते जो सोचते मोला वो जो वरदान मिले वो फलित है कि नहीं है का करूं भगवान इसे कहे सियाराम। कैसे जानू मोला जो वरदान दे जो मंत्र दे बोला कोई भगवान के नाम लूं प्रकट हो ही कि नहीं हो कहे सियाराम। सोचत सोचत माता कुंती रहते जो दुविधा में पड़ जा रहे कहे सियाराम। देख के भगवान नारद मुनि कौन कौन नारद मुनि ब्रह्मा के बेटा कहे सियाराम। भैया उमले ऊपर ढाले बैठ के देखत रहते कि माता कुंती के मन में कुछ तो विचार आ थे जाओ मैं ऐसे कहे सियाराम। बनत के बिगड़त नारद और बिगड़त के गलो मनात नारद कहे सियाराम।
नहीं हुआ एक नाम नारद। जय श्री राम। वो नारद भगवान रहते थे सुंदर प्रकार से माता कुंती के समीप आ से। जय श्री राम। राम सीताराम नारद मुनि चले आवा तेरा। कलयुग में पाप के अंत वही कहे सियाराम। सीताराम और नारद मुनि भगवान माता कुंती ला समझावा दे की एक गांव परीक्षा लेके देख कुंती ऐसे कहे सियाराम। जय सियाराम। अबर तोला वरदान दे वर दे लेकिन तोर वरदान खाली थे कि नहीं है इला एक गांव परीक्षा लेके देख कहे सियाराम। जय सियाराम। कर भड़कवो में आके मातारी हूं माता कुंती रहते थे सही में सोचल धले थे कहे सियाराम। भगवान मोला जो वरदान मिले है वरदान वास्तविक में काम करते कि नहीं करे मंत्र काम करे कि नहीं करे कहे सियाराम। ये सोच के मातारी हो माता कुंती रहते थे सुंदर प्रकार से वो मंत्र के जाप करते कहे सियाराम। मंत्र के जाप करे के बाद में सुंदर प्रकार से भगवान सूर्य देवला याद करते कहे सियाराम। जय सियाराम। और सूर्य देवला याद करे के बाद में मातारी हो कहा देते कि माता कुंती स्वयं पूरा बारह घोड़ा के रथ में प्रकट हुए कहे सियाराम। जय सियाराम। प्रकट हुए के बाद मातारी हो माता कुंती ला पूछा थे बता कुंती कैसे मुला याद करे हस कहे सियाराम। माता कुंती हो उसका बात देखी उसका चकित खागे कहे सियाराम। चकित खागे नहीं भगवान मैं तो इसलिए हंसी मजाक में तुला याद करे रहे हूँ कथे कहे सियाराम। भगवान सूर्य रहते भड़क झटके का मूल भाका मुरे समझ लिया इसका वो इसे कहे सियाराम। मंत्र पढ़े हैं दुर्वासा के दे मंत्र उते मूल नाम ले याद करे हैं कुंती इसे कहे सियाराम। कुछ ना कुछ तो वरदान तोला मांगना पड़े कुंती नहीं चाहिए तो काम बिगड़ जाए कहे सियाराम। जानो महाराज मैं कतोला वरदान मांगू मैं सब डाले सुख संपत्ति जिया तो कहे सियाराम। सूर्य देव रहते थे देख बिना खाली हाथ तो नहीं जाओ कहे सियाराम। जय बोला खाली हाथ करके नहीं जा सको कुंती मैं तुले एक वरदान देवत हूँ कहे सियाराम। कुंती बोला सूरवीर बड़ा पराक्रमी और बलशाली लेकर प्रदान करत हूँ कहे सियाराम। बोल भगवान सूर्य नारायण देव की जय कहे सियाराम। और वैसे कह के भगवान सूर्य देव रहते थे कुंती ला वरदान दे देते बिना विवाह के एक मातारी लेकर के मातारी बन जाऊं कहे सियाराम। ये
जब मैं मुरहसाई हो जाए प्रभु मैं का करूं कैसे करूं जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान सूर्य देव रहते हो कब आप कहां सुनतेगा वो तो अंतर ध्यान होकर कावर वाला चक्कर लगाना है। जय श्री राम। जय श्री राम। कावर वो पूरा ब्रह्मांड में घूमने वाला है होकर बिना दिन और रात नहीं हो सके। जय श्री राम। जय श्री राम। माता कुंती रहते माता रही हो बड़ा सोच विचार में पड़ जाते। जय श्री राम। सोचा तो सोचा तो वो कहते वही गार्डन हुई जितनी बगीचा में बैठ के रोवत रहते। जय श्री राम। मैं कहा करूँ भगवान के आज मौसम बहुत बड़े छल कर रहे। जय श्री राम। मैं कैसे धर के रहूँ कैसे जीऊँ भगवान। जय श्री राम। वो समय माता रही हो पांडु के साथ में विवाह भी नहीं हो रही। जय श्री राम। कब की घटना हरे महातारी हो ये बात ला सोचे पर कुंती विवश हो गए। जय श्री राम। करिया माता कुंती रहते थे फूट फूट के रोवत है महतारी हो सोचा थे मैं कैसे ये वरदान ले सकूं कि ये श्राप समझो। जय श्री राम। बड़ा सोच विचार में बैठ के महतारी हो माता कुंती रहते थे रोवत रहते। जय श्री राम। बाद में अपन मन ले ये कहीं के समझाते कि भगवान के वरदान एलम मैं क्या कर सकता हूँ। जय श्री राम। लेकिन आजकल महतारी हो हम हिंदू सभ्यता के मजाक उड़ाने वाला माता कुंती के चरित्र ऊपर दाग लगा के कोशिश करते। जय श्री राम। सत्यता के बाद महाभारत में लिखा है रामायण में लिखा है और हिंदू सभ्यता में शुरुआत सनातन धर्म से जुड़े। जय श्री राम। बड़े बड़े जानकार कोई हम बैठे रामायण के महाभारत के जानकार हूँ ये बात का सत्यता घोषित कर दी। जय श्री राम। महातारी माता कुंती रहते थे सती सावित्री रहते लेकिन माता कुंती के चरित्र में दाग लगाने वाला हजारों बैठे। जय श्री राम। सनातन धर्म जाना थे महाभारत काल से समझ आया था कि माता कुंती जो है किसी भी प्रकार से अगर चरित्र में दाग नहीं रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। कर्म के जो जन्म होते महातारी हो भगवान सूर्य देव के वरदान के प्रक्रमा प्रताप। जय श्री राम। जय श्री राम। वरदान मिले रहते महातारी हो बलपुर वीर बलशाली पराक्रमी लेकर कोक से पैदा ले कुंती ये वरदान दे रहे। जय श्री राम। स्वरूप महातारी हो तो शादी के पूर्ण विवाह होकर जस्ट पहली। जय श्री राम। माता कुंती लेके जब पुत्र जन्म लेते जेकर शरीर जो है ना सोना डोरो लकलक लकलक चमकत रहते। जय श्री राम। अब ओकर शरीर में भगवान सूर्य देव के दे हुए कवच रहते। जय श्री राम। एक कवच एक कान में कुंडल रहते पर बिना कर्ण भगवान के ओकर ताकत। जय श्री राम।
माता के कवच और कुंडल उनके शरीर में लगे रही महातारी हो, दुनिया के कोई भी सूर्य वीर रहा है, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण घरों लग छेद नहीं सके, कहे श्री राम है। ऐसे वरदान महातारी हो कर्ण ल सूर्य देव के जन्म से पहले दे रहे, कहे श्री राम है। बड़ा बलशाली पराक्रमी रथे, कहे श्री राम है। जय श्री राम। जय लेखा बाद महातारी दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते, कहे श्री राम है। जय श्री राम। और ये दानवीर कर्ण कावर का हुआ थी, बात आप मतलब एक कथा के माध्यम से बताऊं, कहे श्री राम है। जय श्री राम। राम राम सीताराम। जय श्री राम। राम राम सीताराम। हम महातारी हो कुंती माता तो पैदा ले लेते कौन कर्ण है, कहे श्री राम है। लेकिन गाय जगह हो कर्ण ल वो अपन घर में रखी कैसे, पांडु के महल में रखी कैसे, कहे श्री राम है। महातारी बिचारी भी ने बिहाई वरदान के प्रकोप और वरदान के प्रताप से वो बच्चा होकर जन्म ले रहे, कहे श्री राम है। दुनिया के लाज लज्जा लोक भय से महातारी हो माता कुंती रखे थे कर्ण लगा करते, कहे श्री राम है। एक ठन टोकरी में सुंदर प्रकार से भरोया कर्ण ला एक नदी में छोड़ देते, कहे श्री राम है। राम राम सीताराम। बोले रो रो के कथे जा बेटा कर्ण, तोर जिंदगी अगर जियत रही है मऊ तोर महातारी हूँ बेटा, लेकिन तोर मोर जिंदगी रही तो बाद में मुलाकात हो जाएगी, कहे श्री राम। कैसे महातारी हो माता रथी अपन हृदय में पदरत चपक के लदक के कर्ण ल सुंदर प्रकार से नदिया में छोड़ देते, कहे श्री राम। और कर्ण ल नदिया में छोड़ दे महातारी हो जा बेटा के छोड़ देते कर्ण वो हाथ ही नदिया में, कहे श्री राम। राम राम सीताराम। राम राम सीताराम। वैसे कही के महातारी हो सुंदर प्रकार से कर्ण रहते थे नदियों में जात वो हाथ रहते, कहे श्री राम है। और भगवान परमात्मा भी सोई धाता रहते कर्ण की जिंदगी में जिंदगी लिखे है कावर, बोला तो जीना है भैया महाभारत की पूरा कहानी बचे, कहे श्री राम है। इधर कारण महातारी हो रहते थे सुंदर प्रकार से होकर पास कथे, कहे श्री राम है। एक रथ अधिरथ कथे, कहे श्री राम है। जे राजा महाराजा मन के रथ चलैया रथे ओकर चालक, कहे श्री राम है। जेकर नाम महातारी हो मुल याद नहीं आते लेकिन महातारी के नाम राधे, कहे श्री राम है। और बाद में ही नाम से कर्ण राधे के नाम से जाने जाते, कहे श्री राम है। राम राम सीताराम। जय श्री राम। पीपर पन डोलत पीपर पन डोलत पिंजरा मा बैठे बैठे चिरैया बोलत हवे राजा सिया राम सिया राम भजोरा मांगा भैया भजन कर गागा सिया राम पन डोलत
सीताराम सुंदर माता रही हो कर्ण रथे थे सुंदर पानी में गुहावत रथे जय श्री राम माता रही हो राजा महाराजा मन के जो रथ के चालक रथे कौरव हुई हस्तिनापुर के राजा जय श्री राम पांडु राजा हस्तिनापुर के राजा के रथ के चालक जो रथे वही मल्लम मिलते जय श्री राम रथो माता राधे रथे थे माता रही हो निसंतान रथे जय श्री राम वो अधीरथ रहते बोले देख के बड़ा खुश हो जाते मन ऊपर गदगद हो जाते जय श्री राम अरे विधाता जिला देता छप्पर फाड़ के देता आज मोला मोर कुल में कोई लेका नहीं है जय श्री राम ये लेका ला सुंदर रथ तो मैं अपन नाम से कहूँ मैं पालू पोसू जय श्री राम ऐसे कही के मैं तारी तो रहते थे अधीरथ जो रहते राधे कर लेके चलते जय श्री राम और राधे जो अधीरथ के पत्नी रहते महातारी होनी संतानता के दुख से पीड़ा से कष्ट से साथ साथ चलत रहते जय श्री राम सुंदर प्रकार से अधीरथ के पत्नी राधे रहते थे ओला देखते थे बड़ा मन गदगद हो जाते जय श्री राम लड़का बड़ा बलशाली पराक्रमी दिखा देगा ये कर तो कान में कुंडल है शरीर में कवच है लक 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 चमका दे जय श्री राम और महतारी हो कर्ण नाम देने वाला कोई दूसरा नहीं है जय श्री राम वो अधीरा तो माता राधे रखे और कान देखते लड़का के कान बड़ा सुंदर है ये नाम से आज से लड़का के नाम कर्ण ऐसे कहते जय श्री राम लेका के नाम कर्ण धरने वाला कोई दूसरा नहीं भगवान अधीरथ और माता राधे रथे के धरे रहते जय श्री राम 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 सीता राम सुंदर प्रकार से कर्ण के नाम लघु में रखते जय श्री राम अब कर्ण रथे माता रही हो भले वो बड़ा पाला से कौन रथ अधीरथ चलाने वाला रथ कहते जय श्री राम लेकिन वो तो माता रही हो भगवान सूर्य के पुत्र दत्तक पुत्र जय श्री राम माता कुंती जो क्षत्रिय थे कर बेटी क्षत्रिय बेटी होकर कोख से जन्म ले रहे थे जय श्री राम माता रही हो जन्म से वो क्षत्रिय लेकिन कर्म से रक्त चालक रहे जय श्री राम लेकिन माता रही हो कहते ना जैसे जैसे बाप तैसे तैसे लड़का ऐसे कहे जाते जय श्री राम काबर बाप की छवि लड़का ऊपर बिल्कुल आते जैसे बाप आठ हाथ खीरा के नौ हाथ भी जैसे जैसे आजकल के सियाद मन जय श्री राम काबर बाप के चाल चलन ले देते हो नाक जबरे तो जोहत ओम प्रकाश ले ऐसे कही देते जय श्री राम कैसे तो आज हमारे मन के लोग लड़का मन नाच जाते ना वैसे कर्ण जो रहते जन्म से क्षत्रिय कर्म से रस चालक जय श्री राम दासी के पुत्र भले कहलाते लेकिन कर्ण पूर्ण रूप से क्षत्रिय जय श्री राम वो कर आदेश से मातारी हो हमेशा तीर भाला धनुष और बाण चलाना विद्या सीखना जय श्री राम जय श्री राम लेकिन मातारी हो दासी के पुत्र है दत्तक पुत्र है तेकर वजह से बोला कोई गुरु ज्ञान देने वाला नहीं रहा जय श्री राम काबर मातारी हो पहली जमाना में चार बाटा बांट दे रहा है जय श्री राम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब में ऐसे बांट दे रहा है जय श्री राम जय श्री राम ब्राह्मण के लेकर वेद शास्त्र पढ़ी क्षत्रिय के लेकर तीर धनुष नहीं युद्ध लड़ी ऐसे कहे श्री राम महतारी हो ब्राह्मण के लेकर वेद पाठ पढ़ी और शूद्र के लेकर दास के ही काम करी कहे श्री राम ऐसे चार वर्ण में पुराने समय से वर्ण वैश्य वो सिर्फ धंधा करी कुछ ही करी ऐसे कहे श्री राम महतारी हो कर्ण वेद रथे दासी के पंगान के देवैया भैया जय जय श्री राम भजरे मन सीताराम जय श्री राम
सुंदर प्रकार से मातारी हो कर्ण रचते हुई राम से दुख हो जाता कि मैं भगवान का गलती से करे हूँ कहे श्री राम ऐसे सोच के मातारी हो कर्ण रथ से झूठा बोल के शिक्षा प्राप्त करना चाहते कहे श्री राम। भगवान परशुराम कौन? भगवान परशुराम विष्णु भगवान के बारवा अवतार दशा अवतार कहे श्री राम। वो भगवान परशुराम रथ जिक्र कथल अभी अमर आगने वाला भैया मन अभी गावत है कहे श्री राम। भगवान परशुराम रथ महतारियों को क्षत्रिय ज्ञान दे सिर्फ ब्राह्मण ही ज्ञान देते युद्ध नीति कला नीति सब सिखाने वाला भगवान परशुराम कहे श्री राम। क्षत्रिय मन के छोड़ ब्राह्मण मन ला घलो ये तीर कमान भाला धनुष सब के ज्ञान देते अस्त्र शस्त्र की विद्या देते कहे श्री राम। भैया कर्ण के मन में एक लालसा जाग जाते कहे श्री राम। मन में ओकर लालच जागे कि मैं अब जाऊं कहां परशुराम भगवान परशुराम कर कहे श्री राम। और जा कर के बोला झूठ बोलूं कि मैं ब्राह्मण के लड़का हूं ऐसे झूठ बोलूं और अस्त्र शस्त्र के विद्या ये सोच के मन में मातारी हो कर्ण के मन में लालसा जागे कहे श्री राम। और वैसे सोच के सुंदर विचार से कर्ण रथ के भगवान परशुराम के पास जाला रहे कहे श्री राम। भगवान परशुराम रथ के मातारी हो सुंदर प्रकाश से मात्र ब्राह्मण मन नहीं शिक्षा देते शस्त्र विद्या सिखाते होकर एक कारण रहते कहे श्री राम। भगवान परशुराम रथ दे क्षत्रिय मन से भारी शत्रुता रखते कोई भी क्षत्रिय के खून बहाना कमी नहीं छोड़े कहे श्री राम। प्राण काटना प्राण देना प्राण हरना ये काम भगवान परशुराम के रथे कहे श्री राम। ऐसे सुंदर प्रकार से महतारी हो भगवान परशुराम करा जाए बर कुन कर्ण जा सके मैं ब्राह्मण को झूठ बोलूं कर सरसो ये सोच के लालच करके जावत है कहे श्री राम। जय श्री राम राम सीता राम जय जिनकी हमर सुघर पार होई राम राम भजन जाना ही राम। सुंदर प्रकार से कहा भगवान परशुराम कर चल दिस कहे श्री राम। और भगवान परशुराम कर जाके बोला कि परमात्मा हे गुरुदेव मैं एक ब्राह्मण के लेकर हूँ मोला से शस्त्र की विद्या सीखना है आप कर ले गुरु बनाना है आप लाइस कहे श्री राम। जय श्री राम भगवान परशुराम रखे से ब्राह्मण की स्थान बोला ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा सुंदर प्रकार से बोला कहते चले ठीक है बेटा आगे है सिखाऊ पढ़ाऊ तो लाइस कहे श्री राम। जय श्री राम लेकिन भगवान परशुराम जो रहते वो बात नहीं जान पाई कि ये कर्ण जो है झूठ बोल के मुर्गले शिक्षा प्राप्त कर रहे थे कहे श्री राम। एक जगह पुराना जन्म स्थान में कहते पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के कहे श्री राम। लेकिन कर्ण जो रहते ये बात पूरा उल्टा कर दी कहे श्री राम। वो तो ये कहा था पानी पियो छान के और चेला बनाओ जान के कहे श्री राम। अब भगवान परशुराम रहते थे
सुंदर प्रकार से मैं कार्य करने लगा, पूरा अस्त्र शस्त्र की विद्या देवर तैयार हो गए। जय सियाराम, जय राम, राम सीताराम। सुंदर माता रे होकर वनवास में काटा थे कहां कुटिया में, और अस्त्र शस्त्र की विद्या पूरा ग्रहण करे थे कौन कर्ण। जय सियाराम, जय कर्ण। माता रे हो भगवान परशुराम ऐसे तैसे शस्त्र विद्या देते जेकर मारे ना कोई दुनिया के कतको बड़े विजेता रहा है, उल सोचना पड़ी कर्ण के अस्त्र शस्त्र लगाते भर। जय श्री राम, का ब्रह्मास्त्र का विष्णुस्त्र का पशुपतास्त्र, एक से एक अस्त्र शस्त्र से कौन नमा जाते कर्ण ने नमा जाते कौन भगवान परशुराम। जय श्री राम, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र के कोई काम नहीं आए समय में, ओकर वरदान पूरा अचेत खाली जही। कहे श्री राम, कर्ण ल पूरे जीवन में तीन जगह श्राप मिले रहते। जय सियाराम, पहला श्राप देने वाला स्वयं ओकर गुरु भगवान परशुराम। जय सियाराम, दूसरा श्राप देने वाला माता गौ, गौ माता वाला श्राप दे रहे थे। कहे सियाराम, गौ माता स्वयं भगवान परशुराम के बाद श्राप देने वाला कर्ण ल दूसरे नंबर के। कहे सियाराम, अब माता पृथ्वी खुद कर्ण श्राप दे रहे थे। ये तीन प्रकार के श्राप कर्ण की जिंदगी में लगे रहते। जय सियाराम, वो श्राप के चलते कर्ण जो रहते ना उसी समय ओकर प्राण त्याग के त्यास। जय सियाराम, जय सियाराम। पहला श्राप कहाँ मिलते कर्ण ल, कर्ण जो है झूठ बोले रहते अगर करा भगवान परशुराम कर। जय सियाराम, जय सियाराम। मैं हूं भगवान, मैं एक ब्राह्मण के लेके आऊं, ये झूठ बोल कर अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण कर लेते। जय सियाराम, जय सियाराम। लेकिन ये बात कर्ण के ये बात सब भगवान परशुराम जानते। यहू है भगवान परशुराम के छोटे मोटे शस्त्र शस्त्र की विद्या की कहानी। जय सियाराम, जय सियाराम, राम सीताराम। भगवान परशुराम जो रहते कर्ण सिखाए के बाद ना योग जब रहते ना तो कर्ण के जांग में अपन सल रख के भगवान परशुराम जो है आराम करत रहते। कहे सियाराम, आराम करत रहते तो निद्रा में रहते। कहे सियाराम, अब वकील मातारी हुए तन बिच्छी जे आज हमारे टेढ़ी बिच्छी के तन बुरी बिच्छी केकरा बिच्छी नान नान दूटा रहते। इसे कहे सियाराम, और भूरी बिच्छी के जहां तो अति खतरनाक एक दिन मरना फिर मत पूछ दादा तीन दिन लेकर जहर के बीच नहीं उतरे। कथे जय सियाराम, हाँ मैं भूखे भोगी हूँ मैं जाना तो ये दे अंकी ये दे बीस वाला अंकी बस बस धीरा पेड़ के इसे छेदम रीस गा लकड़ी ले से धर के हलाम पर हूँ। कहे सियाराम, और वो बिच्छू इमरी अंदर में साग ले जमा दीस गा तीन दिन लेकर रहता नहीं उतरी दादा मुला लस खा गया। कहे सियाराम, डॉक्टर के चुजी पानी भलो काम नहीं करे तुम्हारे असन दादा मैंने कहा जन भैया सीखे रहते ना अस्त्र शस्त्र विद्या का तुम हुई वही विद्या वाला काम करी तीसरा दिन में होकर जहर के बीच उतरी मोर। कहे सियाराम, तो भगवान परशुराम रहते कर्ण के जांग में अपन सर रखते सोए रहते आराम करते रहते, और कर्ण जो है भगवान परशुराम के सरला ऐसे दबावत रहते। जय सियाराम, भूरी बिच्छी असन बिच्छी आवत है कर्ण देख दरी ये बिच्छी आवत है सदा गुरु देव मारी निद्रा टूट जाई भगवान के निद्रा टूट जाई खलल पड़ जाई। कहे सियाराम, ऐसे कही के गा वो बिच्छी रहते जैसे घर के अपन जांग में कर्ण चपक देते। कहे सियाराम, अब वो बिच्छी ना जांग में चपक दे लेकिन बिच्छी के ऊपर गाढ़ा ऐसे काटा वो खाली हो गया वो रटा रट कर्नल जमावत है इतनी जांगला बेजा थे होकर और बेजा तो बेजा कहते ना खून निकल गए कर्ण के बता नहीं सकूं। कहे सियाराम, वो कर्ण के जांगले खून निकलत ना वो बहावत है भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर दी। कहे सियाराम, बोला देख के भगवान परशुराम की निद्रा टूट जैसे। कहे सियाराम, जैसे देखते बड़ा प्रसन्न हो जैसे पहली तो गा देख के कहते वाह रे बेटा कर्ण वाह वाह ते अपन गुरु भक्ति अपनी भादेश बेटा। जय सियाराम,
ये बिच्छी मुलायम मार देती मोर निद्रा टूट जाती एकर से ये बिच्छी ला अपन जांग में चपक दे बेटा ऐसे कहा थे जय सियाराम में। लेकिन जब ओकर एक पर में तारीफ करी दूसरा पग में भगवान परशुराम जोर थे भन्ना के कहे सियाराम में जय सियाराम। आवर दादा ओकर कोड़ी ब्रिज तब हम चढ़ने वाला सातवां आसमान में चढ़ने वाला है कहे सियाराम में जय सियाराम। जेकर प्रभु को स्वयं रघुपति राघव राजा राम झेले कब जब धनुष लटोते तब ऐसे कहे सियाराम में जय सियाराम। तेकर गुस्सा तुरंत बदल गए कर्ण लगते नहीं कर्ण एक बात तो झूठ बोले हंस बेटा कहे सियाराम में जय सियाराम। कर्ण रति कहे प्रभु मैं कोई झूठ नहीं बोले हूँ आपके मन में द्विधा हुआ थे कहे सियाराम में। और राम राम सीताराम ऐसे कैसे महाकारियों करना भगवान परशुराम के जो है वार्तालाप चलते जय सियाराम में जय सियाराम। और राम राम सीताराम जय सियाराम। और राम राम सीताराम जय सियाराम। और राधा पहिरे लाली लाली और राधा पहिरे लाली लाली कान पहिरे बंसी बजाए सियाराम तरसत हे मोर जीवरा कहते भगवान मैं कोई झूठ नहीं बोले हूँ मैं स्वयं आप लगे बताऊँ मैं सच बोले हूँ कहे सियाराम जय सियाराम। लेकिन महातारी और परशुराम जो रहते थे सुंदर प्रकार से कहते बेटा कर्ण तो झूठ बोले ऐसे बात न मगर छुपा मत कहे सियाराम जय सियाराम। कांवर बिच्छू के डंक जितना दर्द गरज है ना ये दर्द भी सहन सिर्फ एक क्षत्रिय के लड़का ही कर सकते न कोई शूद्र न कोई वर्ण न कोई वैश्य ये कोई नहीं कर सके कहे सियाराम जय सियाराम। ये दर्द सहन करने वाला सिर्फ एक क्षत्रिय के लड़का है ते दर्द सहन करे बेटा मतलब ते क्षत्रिय के बेटा रे भैया कि मोला झूठ बोले बेटा कहे सियाराम जय सियाराम। ऐसे कही के महातारी हो कर्ण वर रथे के भगवान परशुराम एकदम जोर से भड़क के कहे सियाराम जय सियाराम। जा रे बेटा तो शिक्षा पूरा पूर्ण हो गए जतना में सिखाओ तो रत्न सूरवीर दुनिया में कोई नहीं है कहे सियाराम जय। लेकिन आज तो लेख में श्राप भी देवा तो और कर्ण ने बात सुन ले कहे सियाराम जय सियाराम। जे दिन बेटा तो लाइए अस्त्र शस्त्र की जरूरत ज्यादा पड़गी जे दिन तो आवश्यकता महसूस हो अस्त्र शस्त्र के उस दिन अस्त्र शस्त्र के याद करे बोलते भुला जबे बेटा कहे सियाराम जय सियाराम। ये महातारी हो कर्ण के पहला श्राप का जीवन के कहे सियाराम। अब कर्ण रहते महातारी हो ये बात ला सुन के थर्रा जाते कहे सियाराम जय सियाराम। अब बोला भगवान परशुराम के आदेश मान के महातारी हो सुंदर प्रकार से शब्द विधि बांध के गले प्रयोग कर संशय कहे सियाराम जय सियाराम। ये दुनिया में दाई हो शब्द विधि बांध मात्र दो आदमी चला
बता सकत रही कहे शहर में। जय श्री राम। एक तो राजा दशरथ और एक रीस भगवान बलि कहे शहर में। ये दोनों के सिवा ये दुनिया में शब्द वेदी भान चलाने वाला तीसरा कलयुग में कौन है? महाराणा शिवाजी राणा प्रताप कहे शहर में। ये बात तो हमारे कलयुग की बात है, लेकिन सचिव को जो पर चलता युग में मान से दो आदमी पास ये शब्द वेदी भान रीस कहे शहर में। एक राजा दशरथ, दूसरा भगवान राजा बलि कहे शहर में। एक बार शब्द वेदी भान का प्रयोग जंगल में करते कहे शहर में। अब वो कर्ण शब्द वेदी भान का प्रयोग कहाँ करते माताजी? जंगल में कहे शहर में। वो एक हिरण के जानवर समझते, जंगली जानवर समझ के माताजी हो गौ माता के छोटे लेकर बछड़ा जिलावन बछरू कसम बछरू शुरू होकर ऊपर धोखा से प्रयोग कर दी कहे शहर में। अब वो बछरू के ऊपर शब्द वेदी भान का प्रयोग जैसे करिस ना गौ माता दे किस मोर लेकर के प्राण छू के कर्ण आज मैं तेरा श्राप दे दो जे दिन में ते हाँ अचेत रूप में रहे दूसरा काम करत रहे वही समय थोड़ा प्राण घातक बाण लगी रे बेटा कही देते हे श्री राम। महाकाली हो गया दूसरा श्राप मिल जाते कर्ण अलग है श्री राम। इतने प्रकार से माताई हो सुंदर प्रकार से ये कथा में आओ कर्ण के जीवन में आगे एक श्राप कौन स्वयं माता पृथ्वी देते कहे श्री राम। लेकिन कर्ण के जीवन में ये बात है मायने कब रखते अंत समय में कब महाभारत के जब युद्ध होते तब वो समय ये बात के महत्व रखते कहे श्री राम। अब कर्ण के माताई हो सुंदर न युवा जवान हो गए अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख के सुंदर अपन नगर आ जाते कहे श्री राम। वही समय महाकाली हुए इतने माता कुंती के गलो पांच पांडव जन्म लेके न युवक हो गए होकर गुरु कौन द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र के बेटा माता गंधारी के सौ पुत्र जिला के तन कौरव वो मन भी कौन होकर गुरु द्रोणाचार्य कहे श्री राम। और सब जन महाकाली हो अपन गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करे के बाद ले के बाद सुंदर प्रकार से ही महल में वापसी हो गए कहाँ हस्तिनापुर कहे श्री राम। हस्तिनापुर में वापसी हो के बाद महतारी हो राजकुमार मन के द्वंद युद्ध जेमे एक दूसरा के शक्ति ने दिखाना है ऐसे वाला युद्ध कथ्य कहे श्री राम। वो हस्तिनापुर के महाराज के राजमहल में आयोजित हुआ थे कहे श्री राम। जी हाँ स्वयं द्रोणाचार्य कृपाचार्य शंकराचार्य महाराजा भीष्म गंगा पुत्र देवराज भीष्म गलो धृतराष्ट्र गलो सब पांडव पुत्र मन सब सकलाए रहते कहे श्री राम। ऐसे सकला के महाकारी द्वंद युद्ध के तैयारी चलत रहते कहे श्री राम। राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम।